Vivo Y02s versus Oppo A57। मैं इन दोनों फोनों की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि इन दोनों फोनों में से हमें कौन से वाला बाय करना चाहिए। दोनों फोनों के अंदर 6.5 इंचेस की IPS LCD है विद 720p की रेजोल्यूशन के साथ। दोनों फोनों के अंदर रैम भी 3GB है, लेकिन Oppo के अंदर आपको 64GB और Vivo के अंदर आपको 32GB की स्टोरेज मिलेगी। बाकी दोनों फोनों के अंदर है तो MediaTek है Helio 35, मतलब के Oppo के अंदर G35 है और Vivo के अंदर P35 है। इन दोनों के अंदर ना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों में से देखा जाए ना कि कौन सा थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, तो वो है जी G35, मतलब के Oppo का प्रोसेसर थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। Oppo के बैक के ऊपर आपको डुअल कैमरा सेट मिलेगा मेन 13 मेगापिक्सल का, और फ्रंट के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। और जबकि Vivo के बैक पे सिंगल 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा है और फ्रंट के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। बाकी जाहिर सी बात है कि Oppo के कैमरास ज्यादा अच्छे हैं। दोनों फोनों के अंदर हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन Vivo में आपको 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग और जबकि Oppo में आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। तो यहां भी जाहिर सी बात है कि Oppo बेटर है, क्योंकि हमें फास्ट चार्जिंग मिल रही है। Vivo आया था जी 30,000 की प्राइस के अंदर, लेकिन इसकी दो दफा प्राइस को बढ़ाकर 34,000 कर दी गई है, और जो Oppo का फोन है वो आपको 38,000 का मिल जाएगा। अगर आप मेरे से पूछे ना कि कौन सा बाय करें, तो मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं कहूंगा। मतलब ये कि आपको मार्केट में इससे बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि टेक्नो कैमल 19 Neo, जो इन दोनों से कई गुना ज्यादा बेटर है। अगर आप फिर भी यही कहते हैं कि हमें Oppo या फिर Vivo में बताओ, तो भाई सीधी सी बात है कि Oppo का फोन ज्यादा बेटर है। मतलब ये कि आप 4000 ज्यादा ले, आपको फास्ट चार्जिंग, अच्छे कैमरास और थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। ये नहीं ना कि आप 4000 बचाते वो थोड़ा सा हल्का फोन ले लें। इन दोनों फोनों की डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा।